दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक बहुत ही सस्ती सी टॉर्च, बहुत ही सस्ती नहीं, थोड़ी सी महंगी भी है, 329 रुपए की टॉर्च है। हम इसे अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू देंगे, आपको बताएंगे कि टॉर्च आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि टॉर्च कैसी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं, तो चलिए इसे हम अनबॉक्स कर देते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि दुनिया की मतलब ब्रह्मांड की कोई ऐसी टॉर्च नहीं बची रहेगी जिसको मैं अनबॉक्स नहीं करूँगा। दोस्तों बस इसी बात पर आप थोड़ा सा दया दिखाइए और एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थोड़ी सी छोटी निकल गई, उम्मीद से छोटी निकल गई। मैंने सोचा था कि बहुत ही बड़ी सी टॉर्च होगी लेकिन छोटी है, पर कैसी मोटी रही है, लेकिन ठीक है। बॉक्स पे कुछ दिखा उखा दें, थोड़ा टाइम बढ़ा दें, वॉच टाइम लेने के लिए ये सब करना पड़ता है। जे भाई सुपर देखिए, मॉडल नंबर ये है 1730 नहीं, रिचार्जेबल फ्लैश लाइट, बस यही सब है। सुपर एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर, 1800 mAh की बैटरी, 8 घंटे का बैकअप, बस यही सब है खेल इसका। तो चलिए इसको हम निकाल देते हैं। बस दोस्तों आप तरस खाकर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सी दया दिखाइए आप। बस यूज़र मैनुअल कहीं लग खा गए इन लोग। अरे दोस्तों चार्जर मिल गया, वाह क्या बात है, थोड़ा दयालु निकल गए क्या, नहीं पैसा लिए दयालु कुछ नहीं निकले हैं। तो चलिए इसका हम बैकग्राउंड बदल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है इतने टाइम। दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें ये मिल जाता है एक चार्जर और ये टॉर्च, और कुछ नहीं मिलता। जैसे कुछ किताब कापी लोग देते हैं, कुछ नहीं मिला, बस इतना ही मिला है। ये आप देख सकते हैं मोटे पिन वाला चार्जर जो पहले नोकिया में आता था, यही वाला आता होगा ना, हाँ यही वाला जो नोकिया पतले पिन से थोड़ा सा मोटा जो आता था, बस ऐसे लगा देते हैं इसमें। ये देखिए अब मन कहे तो चार्जिंग कीजिए, मन कहे तो मत कीजिए। 8 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं चार्ज करना है। इसका डब्बा कहाँ गया, यहीं कहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है इधर कहीं। दोस्तों अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, चार्जर की बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही है, बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं है, काम चलाऊ है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी। प्लास्टिक वगैरह इसकी काफ़ी सही है। ये जो आप देख सकते हैं ब्राउन रंग का पार्ट है, ब्राउन मुंडे, ये आपको एल्युमिनियम का लग रहा होगा देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लास्टिक का ही है, सब पूरी एकदम प्लास्टिक ही है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही सही टॉर्च है। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं, 300 से ज़्यादा ऊपर का, और इतनी बड़ी सी टॉर्च दिए हैं, थोड़ा सा मुझे इसका प्राइस ज़्यादा लगा, लेकिन क्या किया जाए, आपको दिखाना था ये टॉर्च को। आप देख सकते हैं इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, एक दो, पहले धीरे तेज़ कुछ होगा, अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि चार्ज नहीं, अब चार्ज होगी तो अच्छे से पता चलेगा कौन सी रोशनी तेज़ है कौन सी कम है। आप ये देख सकते हैं आगे वाला, और इधर वाला जो देखिए ऊपर से इसका बटन दिया गया, यहाँ से कट कट, दो मोड इसमें भी है, पहले तेज जलता है फिर धीरे हो जाए दूसरी बार में, यही बात है इसकी। ये वाला इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, आँख दर्द करने लगेगी, बहुत धीरे रोशनी है। तो चलिए इसको चार्ज करते हैं तो पता चलेगा इसकी रोशनी कैसी है। तो चलिए इसको हम चार्ज कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी रोशनी कितनी तेज़ है। इसको हम लगभग 3 से 4 घंटे चार्ज करेंगे, हाँ 3 से 4 घंटे, तब देखते हैं इसकी रोशनी कितनी बढ़ती है। बस दोस्तों आप एक तरस खा के एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस आपसे यही बात है, मुर्गा भी बोल दिया तब से, कोई बात नहीं। तो चलिए हम चलते हैं, इसको हम चार्ज करते हैं, तब रात होगी, मैं आपको इसका दिखा दूंगा कि इसकी रोशनी कितनी तेज़ है। तो चलिए हम बल्ब बंद कर देते हैं, आप थोड़ा बहुत तो दिखाई देते हैं, ये देखिए इतने टाइम इतनी तेज़ रोशनी है इसकी, इस वाले की गोल वाले जो है, और ऊपर या देखिए इसकी रोशनी इतनी तेज़ है, ये काम चलाओ तो है दोस्तों, बस चार्ज नहीं है तो अभी हम सही है। अब चलिए चार्ज करते हैं, फिर मिलते हैं रात को आपसे। दोस्तों रात हो चुकी है और साथ ही साथ बरसात भी हो चुकी है, हर जगह एकदम गीला गीला है, पूरा पानी भरा हुआ, यहाँ पर थोड़ा सूखा हुआ है अभी। यह आप इसकी रोशनी देख सकते हैं, यहाँ अभी बल्ब जल रहा है। तो चलिए अब एकदम अंधेरे जगह पर जाते हैं। दोस्तों ये एकदम अंधेरा है, बस केवल इतने टाइम टॉर्च जल रही है, आप देख सकते हैं इसकी रोशनी कैसी है, ये देखिए एरिया तो बहुत ही ज़्यादा कवर कर रही है, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगी।
इसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ही एकदम काम चलाऊ रोशनी है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में थोड़ा पता नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा अपनी आँखों से, मुझे इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी खासी, मतलब अच्छी नहीं लगी। जिस हिसाब से ये लोग पैसा लिए हैं, 325 के आसपास लिए थे क्या, हाँ 300, हाँ उतना मान लीजिए आप, 321, 322, 323, 324, लेकिन इसकी रोशनी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो चलिए अब हम दूसरे बल्ब को जलाते हैं जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए है कि किसके लिए है, ये आप देख सकते हैं। इसकी रोशनी थोड़ी सी मुझे ठीक लगी, हाँ ठीक है, उससे तो ठीक ही है, क्योंकि ये बड़ा एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि लंबे में इसकी लाइट है। इसकी रोशनी ठीक ठाक ही है दोस्तों, ठीक ठाक ही है, लेकिन बहुत ही अच्छी रोशनी नहीं है, मतलब बहुत ही चमकीली, बहुत ही तेज़ रोशनी नहीं है इसकी। बस काम चलाऊ है, आपका काम चल जाएगा, लेकिन प्राइस ज़्यादा है। इससे बढ़िया आप कोई दूसरी और टॉर्च देख लीजिए, वो ले लीजिए, क्योंकि छोटी सी भी है और पता नहीं कैसी होगी। दोस्तों क्या आपको इस टॉर्च को लेना चाहिए या नहीं, मैं बता देता हूँ। ये देखिए बहुत ही छोटी सी टॉर्च है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं है। टॉर्च अगर छोटी हो, साथ साथ पावरफुल हो, तो काम चल जाएगा, लेकिन इसकी रोशनी मुझे ठीक लगी। बहुत ही हाई क्वालिटी की रोशनी नहीं है कि बहुत ही चमकीली, बहुत ही भड़कीली नहीं है। आपका काम चल जाएगा, बस इतना ही है। इसका दाम मुझे ज़्यादा लगा, 321 रुपये था, थोड़ा ज़्यादा लगा, इतनी बड़ी सी टॉर्च है, थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर ये 250 रुपये के आसपास की होती तो मुझे ठीक लगती। ये आप देख सकते हैं उसी दाम की ये टॉर्च है, आप कंपैरिजन कर लीजिए। बस इसका चार्जर पुराने ज़माने वाला है, प्लग वाला, यही इसकी दिक्कत है, लेकिन काम चल जाता है और बैकअप भी इसका काफ़ी सही है। दोस्तों अगर आप इस टॉर्च को लेने का सोच रहे हैं तो मत लीजिएगा, थोड़ा सा पैसा और लगा के कोई अच्छी रोशनी वाली आप टॉर्च ले सकते हैं, लेकिन इसको मत लीजिएगा, क्योंकि इसका दाम भी ज़्यादा है। क्या कीजिए, थोड़ा सा पैसा लगाइए और कोई अच्छी सी टॉर्च ले लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो को बस यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप विप्रो टॉर्च का वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, अगर हैवेल्स का देखना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने बहुत सी टॉर्च की अनबॉक्सिंग की है, आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियोज़ को देखिए।